बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PSL 5 यानी पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल जारी। टूर्नामेंट के आगाज़ में सिर्फ 25 रोज बाकी। PSL 5 की टिकटों की फरोख्त कब शुरू होगी? PSL का मुकम्मल शेड्यूल भी मावाग आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 20 फरवरी से 22 मार्च तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट के तमाम मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अयूंट में शामिल 34 मैच 4 मुख्तलिफ ग्राउंड में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के आगाज में 25 रोज बाकी रह जाने पर PCB ने मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी दिन की मुनासबत से कौमी क्रिकेट के घर कज़ाफी स्टेडियम के दाहरी दरवाजे के बाहर एक काउंटडाउन क्लॉक भी लगा दिया है। PSL का अफ्तताही मैच दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर और दो मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंबई नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। लीग के 5वें एडिशन का फाइनल 22 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अयून का वाहिर क्वालिफायर नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जबकि दोनों एलिमिनेटर और फाइनल की मेज़बानी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के सपोर्ट की गई है। चौंतीस मैच पर मुश्तमिल टूर्नामेंट मुल्क के 4 मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे। 34 मैचों में से 14 मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, 9 मैच नेशनल स्टेडियम कराची, 8 मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जबकि 3 मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर अपने 4 मैच कराची में, 3 लाहौर में और 2 रावलपिंडी में और 1 मुल्तान में खेलेगी। पेशावर जर्मी अपने 5 मैच रावलपिंडी, 3 कराची, जबकि 1 लाहौर, 1 मुल्तान में खेलेगी। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 5 मैच रावलपिंडी, 3 लाहौर, 2 कराची और 2 कराची में खेलेगी। कराची किंग अपने 5 मैच कराची, 2 लाहौर और 2 रावलपिंडी में खेलेगी। लीग के 5वें एडिशन में मुल्तान अपने 5 मैच लाहौर, 3 मुल्तान, जबकि कराची और रावलपिंडी में 1-1 मैच खेलेगी। लाहौर कलंदर अपने 8 मैच लाहौर, जबकि 1 मैच रावलपिंडी और 1 कराची में खेलेगी। PSL की टिकटों की फरोख्त जारी हो गई है, जो कि 500 से 5000 के दरमियान है। ऑनलाइन भी फरोख्त जारी हो गई है। PSL के शेड्यूल पर निगाह डालें तो PSL के मुकम्मल शेड्यूल पर निगाह डालें तो 20 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। इस इफ्तिताही मैच का टाइम का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरा मैच 21 फरवरी को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच कराची और पेशावर जर्मी के मुबैन 2 बजे, जबकि दूसरा मैच लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान के मुबैन 7 बजे खेला जाएगा। 22 फरवरी को भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच क्वेटा और पेशावर के मुबैन, जबकि इसी शाम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के मुबैन खेला जाएगा। 23 फरवरी को भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच में क्वेटा और कराची किंग के मुबैन कराची के मुकाम पर दिन 2 बजे, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम लाहौर के मुकाम पर मद्दे मुकाबले आएंगी। PSL 5 में 24 और 25 फरवरी के आराम के दिन होंगे, जबकि 26 फरवरी को मुल्तान सुल्तान और पेशावर जर्मी की टीमें शाम 7 बजे मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। 27 फरवरी को क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी में खेलेंगी। 28 फरवरी को कराची किंग और मुल्तान सुल्तान में पहले मैच में मुद्दे मुकाबले आएंगी, जबकि इसी रोज रावलपिंडी के मुकाम पर लाहौर कलंदर और पेशावर जर्मी का मुबैन खेला जाएगा। 29 फरवरी को भी 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के मुबैन मुल्तान में दिन 2 बजे खेला जाएगा।
जबकि दूसरा मैच रावलपिंडी के मुकाम पर शाम 7 बजे पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुबैन खेला जाएगा। 1 मार्च को कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी के मुकाम पर शाम 7 बजे मध्य मुकाबला आएंगे। 2 मार्च को एक मैच खेला जाएगा जो कि कराची किंग और पेशावर जलमी के मुबैन रावलपिंडी में होगा। 3 मार्च को क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद क्वेटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर लाहौर में, जबकि 4 मार्च को इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मार्च को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान लाहौर में 7 बजे खेला जाएगा। 5 मार्च को क्वेटा और पेशावर लाहौर में, 6 मार्च को कराची और मुल्तान लाहौर में, 7 मार्च को इस्लामाबाद और पेशावर जलमी और पिन्नी के मुकाम पर दिन 2 बजे पहले मैच में मंदे मुकाबले आएंगे, जबकि इसी रोज क्वेटा और लाहौर शाम 7 बजे लाहौर के मुकाम में मंदे मुकाबले आएंगे। 8 मार्च को भी 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुकाम पर मध्य मुकाबला आएंगे, जबकि दूसरे मैच में कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान 7 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एक दूसरे के मध्य मुकाबला आएंगे। 10 मार्च को पेशावर जलमी और लाहौर के कलंदर के दरमियान लाहौर में, 11 मार्च को क्वेटा और मुल्तान कजाफी स्टेडियम में मंदे मुकाबले आएंगे, 12 मार्च को कराची और लाहौर के मुबैन कराची में मैच खेला जाएगा, 13 मार्च को पेशावर और मुल्तान मंदे मुकाबले आएंगी, 14 मार्च को कराची अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद का मुकाबला करेगी, 15 मार्च को लाहौर और मुल्तान की टीमें लाहौर के मुकाम पर एक दूसरे के मंदे मुकाबले आएंगी, 15 मार्च को दूसरा मैच क्वेटा और कराची के मबैन कराची के नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। 16 मार्च को आराम का दिन है, जबकि 17 मार्च को क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 के मबैन मैच खेला जाएगा। 18 मार्च को एलिमिनेटर 1 मैच खेला जाएगा, जबकि 20 मार्च को एलिमिनेटर 2 और 22 मार्च को PSL 5 का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा, जिसके वक्त का ऐलान अभी होना बाकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।